अपहरणकर्ता गिरफ्तार। महिला के साथ मिलकर व्यापारी का अपहरण करने वाले चार अपहरणकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला द्वारा व्यापारी को झांसे में लेकर रुपए वसूलने के एवज में रामनगर उत्तराखंड बुलाया गया। रास्ते में महिला के साथ ही दो पुलिस वर्दी में और दो सादे कपड़ों में व्यापारी और उसके नौकर का अपहरण कर अपने साथ ले गए। साथ ही अपहरणकर्ता द्वारा व्यापारी से नौकर को छोड़ने के नाम पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बिजनौर जिले के थाना शेरकोट के रहने वाले ब्रश व्यापारी यशवीर सिंह को मनीषा नाम की महिला द्वारा झांसा देकर रामनगर उत्तराखंड बुलाया गया। महिला मनीषा व्यापारी की गाड़ी में बैठकर जब कुछ दूरी पर चली तो वर्दी पहने दीपक कुमार और सुनील कुमार सहित दो सादे कपड़े पहने हुए पंकज और दानवीर नाम के आरोपियों ने व्यापारी यशवीर से यह कहकर उससे गाड़ी से उतार लिया कि इस महिला ने अपने पति का खून किया। अपहरणकर्ता जब व्यापारी और उसके नौकर को कार से लेकर आगे बढ़े तो इन्होंने व्यापारी द्वारा एटीएम से 20,000 रुपए भी निकाल लिए। साथ ही नौकर के छोड़ने के नाम पर भी अपहरणकर्ता ने यशवीर सिंह नाम के ब्रश व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी करके रुपए वसूलने आए व्यापारी के साथ साथ चार अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस इन सभी अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। नवभारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। पकड़े गए हैं, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, नजीबाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लड़कियों के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसा के उनको बंधक बना के उनसे पैसा वसूली का कार्य करते थे, उद्यापन का कार्य करते थे। इसी तरह से एक मामला आया जो कि शेरकोट निवासी यशवीर ने एक मामला नजीबाबाद में दर्ज कराया कि एक लड़की से फ़ोन करा के कुछ लोगों ने मुझे रामनगर होटल में बुलाया, वहाँ पे मुझे अपने कब्जे में लिया और मुझे भय दिखा के उद्यापन करने के प्रयास से लेके आए और नजीबाबाद में एटीएम से 16,000 रुपया निकलवाया। तदुपरांत नौकर को बंधक बनाए रहे और कहे कि 10 लाख रुपए और लेके आओगे तब नौकर को मैं छोड़ूंगा। इस सूचना पर तत्परता से नजीबाबाद पुलिस ने इन चारों की गिरफ्तारी की। जो महिला इसमें संलिप्त है उसकी तलाश में हमारी पुलिस टीम गई हुई है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। अब तक जो मामला विवेचना से निकल के आया यह धारा 386 का एक्सटॉर्शन का मामला ये है, इस पर गहराई से और विवेचना की जा रही है। हाँ, इसमें दीपक नाम का एक पुलिसकर्मी है जो कि 2011 बैच का है, अप्रैल 2021 से मुरादाबाद से निलंबित चल रहा है। वह भी इस गैंग में सम्मिलित है और इन्हीं लोगों के साथ इस तरह का उद्यापन का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले कोई घटनाएं कर चुके हैं, कोई पता चल पाया अभी तो? इनकी घटनाओं के बारे में और जनपदों से, पड़ोसी जनपदों से जानकारी ली जा रही है। इनका पूरा अभी तक जो मामला निकल के आया है उसमें जो पंकज एक अभियुक्त है उसके खिलाफ संभल में एक अभियुक्त दर्ज है, जो दानवीर है उसके खिलाफ दिलारी मुरादाबाद में दो अभियुक्त पंजीकृत हैं, जो दीपक है कांस्टेबल जो है हमारा उसके विरुद्ध ठाकुर द्वारा थाने में अभियुक्त पंजीकृत है, सुनील और मनीषा जो महिला है इसमें उसके खिलाफ भी दिलारी थाने में एक अभियुक्त पंजीकृत है। अन्य पूर्व इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, गहराई से विवेचना करके इस गैंग को पूरा पर्दाफाश करके और इनको तोड़ेंगे।